अच्छा, आखिरी के कुछ 4-5 मिनट बचे होंगे, तो इसमें मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, जो कि इस मीटिंग के शुरू में ही मैं कहना चाहता था, वो मैं अब मुझे याद आई तो मैं कह देता हूँ। वो ये कि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सुपीरियर्स के साथ में, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को रिकॉर्ड करने के भी, तो सबसे बेस्ट जो मुझे प्लेटफॉर्म लगा वो जूम ही है। मैंने जिटसी ट्राई कर लिया, मैंने गूगल मीट ट्राई कर लिया, नमस्ते ट्राई कर लिया, सलाम दुआ सलाम वाहेगुरु सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने लेकिन जो अंत तक काम आया वो जूम ही आया। ठीक है, तो जूम के संबंध में कोई कहे कि कोई चीनी कंपनी है, जापानी कंपनी है, वो मेरा डेटा चोर लेगा, मेरी गांड मलेगा, तो वो सब के बावजूद मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं जूम के अलावा कोई और इस्तेमाल करूं। ठीक है, हर जगह कोई ना कोई बदमाशी है। सबसे जो बेस्ट मुझे लगा था वैसे वो जिटसी है, GITSI। GITSI क्या है कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मतलब कि उसका जो कोड है वो खुला हुआ है, तो उसमें कोई राज है ही नहीं, कुछ चुराने वाली बात है ही नहीं। लेकिन उसमें क्या है कि परमिशंस ऐसी थी कि हर एक आदमी को वो सारी परमिशंस हैं जो मुझे यहाँ पर परमिशन है। तो उसमें मैं कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्ड कर रहा था, तो एक हरामखोर आया, उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी, है ना। फिर मैं स्काइप कॉल कर रहा था, तो उसमें एक हरामखोर ने दूसरे आदमी को किकआउट कर दिया कॉल से। तो इस तरह की बदमाशियां होती हैं। और स्काइप में क्या है कि काफी लोग फोन से आते हैं ना, तो फोन में उनका आधा आधा नजर आता है, या फिर कभी जबड़ा जबड़ा नजर आता है तो अच्छा लगता नहीं है। वो फाइनल फाइनल वीडियो कॉल का जो वीडियो बनता है उसमें अच्छा लगता नहीं है कि आदमी की आंखें आंखें आ रही है या फिर यही आ रहा है। तो हर जगह कोई ना कोई चीज है, किसी परमिशन की समस्या है, किसी के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग की समस्या है। तो जूम जो है वो मुझे बेस्ट लगा, तो दुर्भाग्य से मुझे जूम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। Yes. कि कोई इसकी टक्कर का और इतना अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर किसी को कुछ कहना हो, कोई आपत्ति हो तो बताइए। वैसे किसी के अंदर इतनी काबिलियत होगी नहीं कि अब मुझे कोई सुझाव दे, क्योंकि मैंने सारे के सारे ट्राई कर लिए सर, मैं भी ना करीब 2017 से इसको यूज कर रहा हूँ, तो जूम मेरे को तो बहुत अच्छा बेस्ट लगा। हाँ। सबसे अच्छा लगा। हाँ। हेलो सर, गूगल मीट में भी आपको प्रॉब्लम था क्या? हाँ, गूगल मीट में भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो ये है कि उसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है, और बहुत ही बेसिक सा है। सबसे बड़ी समस्या तो रिकॉर्डिंग की है। ये फिरंगी है, बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, अगर ये वही है तो तभी मुझे ऐसा लगा कि हिंदी तो अच्छी थी। अरे में रहने वाले में इसकी हिंदी सुन के लोग फट लेती है, ये क्या कौन सा कैरेक्टर है ये। ठीक है, यदि ये वही है तो बुलाया जाएगा। ओके ओके, क्या एडिट नाम का एक कैरेक्टर मैंने सुना नहीं, आपका नाम क्या है? हर्षिता सर, आपको मैं याद हूँ। अरे ये हर्षिता है, ये एक्सेंट मारने वाली लड़की है, तो तुमको ऐसा लगा होगा ये कोई फिरंगी है। मुझे ऐसा लगा कि एक एडिथ नाम की एक जर्मन महिला थी जो मेरे को ट्रेनिंग देने आई थी बैंकिंग में, डॉयचे बैंक में। वो इंडिया की बहुत ज्यादा बुराई करती थी, कुछ ना कुछ बात में मजाक किया करती थी। अच्छा, इंडियन इंडियन करके। ये दूसरे प्रकार की है दूसरे प्रकार, ये अपने जो नाम होते हैं, स्क्रीन नेम होते हैं, और जो अपना एक्सेंट होता है उसके चलते बेसिकली उसके माध्यम से ये वो संदेश देने का प्रयास करती है, जो संदेश आपको वो महिला दिया करती थी। नहीं गर्वित गावा, आपको और कुछ रिपोर्ट नहीं देनी है बेसिकली? नहीं सर, अभी नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ कहना चाह रहा है आखिरी 10 मिनट में तो कह सकता है। आप लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए क्या? किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड? डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स का। हाँ बनाइए। जैसे सुपीरियर सोसाइटी में कुछ 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो 1000 अलग अलग तरीके की स्किल्स हम लोग रिकॉर्ड करके डालें, तो एक ही इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि इस तरह की कोई अभी तक वीडियो नहीं है। हाँ, तो बनाइए प्लेटफॉर्म पे जी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप ही को मतलब कोई पोस्ट करनी पड़ेगी, जिससे सबको इसको सीरियसली लें। एक एड टाइप का आपको बनाना पड़ेगा। सब लोग उसको सीरियसली तो तब लेंगे ना जब सब लोग मुझे सीरियसली लेंगे मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है ये चूतिया कुछ भी बोलता रहता है तो
मेरी बात लोग कैसे सीरियसली लेंगे। चलिए आइडिया अच्छा है, तो जो मैंने आपको बताया उस दिशा में आप काम कीजिए। ओके श्योर। और मुंबई के जो सुपीरियर्स हैं उनके साथ आप नेटवर्किंग कीजिए। ओके आपने नंबर भेजा आपने? हाँ मैंने भेज दिया है। ओके ओके। एंड राइट नाउ यू डू नॉट सीम टू बी इन पोजीशन टू मेक एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन टू सुपीरियर सोसाइटी, तो आप सोशल मीडिया पर बेसिकली अपना कंट्रीब्यूशन करें। आई मीन ये मतलब मेंशन करूं कि बाय क्रिएटिंग बाय शेयरिंग द कंटेंट फ्रॉम माय YouTube चैनल और बाय क्रिएटिंग सम वीडियो। ओके ओके ठीक है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी उसमें झलके। ओके श्योर थैंक यू। ठीक है सो नाइस टॉकिंग टू यू। मैं और किसी से बात करता हूँ। कार्तिक है यहाँ पर? हाँ मीटिंग के 40 मिनट खत्म हो गए थे तो मीटिंग को दोबारा शुरू किया गया है। हाँ शुभम आप कुछ बात कह रहे थे, मीटिंग के 40 मिनट खत्म हो गए थे तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे कि राइट टू रिकॉल से अधिक महत्वपूर्ण है ये एंजाइम बनाना, तो आप सुन पा रहे हैं शुभम? नहीं, हाँ तो आप अपने जो अनुभव है और उस वीडियो का जो लिंक है उसको आप सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप में जरा शेयर करें तो मैं देखता हूँ वो क्या है। और हमारे पास अभी अजमेर में ये एक एग्रीकल्चर एंथुजियास्ट आया हुआ है सुपीरियर धनंजय, तो इसको दिखाएंगे उस प्रकार से। अगर वो कुछ बनाने में अगर उसने रुचि दिखाई तो हम बनाएंगे भी उसे, तो उसका हम प्रयोग भी करेंगे और उसका प्रचार भी करेंगे। वो संस्कृत वाले जो मैं थे। हाँ वही सर, मैं मुझे फोन दिया बस ये पोंपो सुनना बाकी रह गया था जो जिंदगी में हमारी ये बाकी। बहुत बढ़िया। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और कोई व्यक्ति बात करना चाहता है तो करें। सुमित कुछ बात करना चाहते हैं आप? नहीं नहीं अच्छा अच्छा ठीक है। कशिश गांधी पहली बार मैं आपकी शक्ल देख रहा हूँ। कशिश गांधी अपना अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कशिश गांधी नमस्ते। नहीं आपने तो अपना कैमरा भी छुपा लिया। हाँ नाउ आई कैन सी यू। तो आपकी उम्र कितनी है? 18 साल है सर। अच्छा अच्छा तो आपका आपका नाम जब एक लेडीज नाम है जैसे है, तो आप अपने डिस्प्ले पर तो आपको अपनी फोटो लगानी चाहिए जब आपका इतना मर्दाना चेहरा है। तो पता चल नहीं पाया मुझे काफी समय से कि ये स्त्री है कि पुरुष है क्योंकि आपकी डीपी के अंदर एक छोटी बच्ची की फोटो लग रही है, लेकिन वो जो आदमी जो बात करता था चैट में ऐसा लगता था क्योंकि पापा नुमा आदमी है, नाम लेडीज है, बातें पापा जैसी है, डिस्प्ले फोटो बच्ची की लगी हुई है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या हिसाब क्या है, क्या कहानी क्या है। मेरे को फोटो खिंचाने का ज्यादा शौक नहीं है सर। फोटो खिंचाने की बात मैं तो कह रहा हूँ, वो तो एक इन्फॉर्मेशन है बेसिकली कि ये दिस इज द पर्सन ओन्स दिस व्हाट्सएप अकाउंट, तो ऐसा है। बट चलिए अभी आपसे बात हो रही है तो कुछ बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं आप और क्या करते रहते हैं? मैं तो अभी तो खैर 12th में हूँ, यही 12th में आया हूँ, स्कूल छोड़ दिया था पहले, बहुत मान फिर वापिस। हाँ जी हाँ जी लेकिन अब वापिस ज्वाइन कर लिया, बहुत टाइम तक छोड़े रखा था, समझ नहीं आ रहा था कि जाऊंगा ना जाऊं। तो फिर ये मैंने ग्रुप सुपीरियर सोसाइटी के ग्रुप से सजेशंस लिए मेरे को क्या करना चाहिए आगे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बड़े शहर में जा, भी लिखी थी। हाँ हाँ जी हाँ जी। और उन्होंने कहा फिर बड़े शहर में जाओ कॉलेज, तो फिर वहां पे एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ मिलेगा।
तो पानीपत तो बड़ा शहर है, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करके वहां पर एक कॉलेज भी है बहुत बड़ा है। ठीक ठाक ये ए, थोड़े और बड़े कॉलेज में जाना है। अच्छा अच्छा हाँ। लालची आदमी और बड़ा। हाँ जी मैंने सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए। अच्छा कैसा लालची आदमी है, इसकी दाढ़ी पे हाथ फेरते बोल रहा है और बड़ा कॉलेज चाहिए मेरे को, बारहवीं में स्कूल से तो भग गया इसको और बड़ा कॉलेज चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी आपकी गतिविधियां क्या है, आपकी रुचि क्या है, कुछ धन वगैरह कमाते हैं आप, कैसे टाइम पास करते हैं, कुछ राइट टू रिकॉल में आप इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, क्या है कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ बताइए क्या खबर है। खबर मतलब समझा नहीं कुछ। खबर मतलब कि कल जो आप थे उसमें नहीं, मैं तो नहीं था कल। अबे कल नहीं था क्या, तू आज उतरा है क्या तू, मतलब कल तू नहीं था यहाँ पे धरती के ऊपर। तो कल जो आप थे, कल जो आप थे और आज जो आप हैं, मैं ये रहा था जैसे कि ना कल कल आपने जो मीटिंग की होगी इसलिए आगे कल की जूम मीटिंग, आज की जूम मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कल जो आप थे उसमें इस वीडियो क्यों डाला, क्या आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करके सुधार करके आज जो आप बने हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स किए, और कल की तुलना में यदि ज्यादा आपने इम्प्रूवमेंट्स और सुधार नहीं किए हैं तो पिछले हफ्ते जो आप थे उसकी तुलना में, पिछले महीने जो आप थे उसकी तुलना में, क्या पैसे कमाने के क्षेत्र में या कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, या समाज सुधार के क्षेत्र में, या अपने व्यक्तित्व के विकास के क्षेत्र में, अपने खान पान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में आपने कोई सकारात्मक काम किया है, गतिविधि की है या कोई चिंतन किया है? हाँ जी जी जी, पिछले करीब एक महीने से अगर देखा जाए तो मैं अपने बरेली से निकला था मैं दिल्ली की तरफ, तो डॉक्टर तरुण कोठारी से पर्सनली मिला था, इधर अपने भारतीय परिवार के कुछ लोगों से मिला था मैं, इधर मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ प्रेजेंट टाइम, तो यहाँ पर कुछ लोगों से मिला तो अच्छा लगा, मतलब कुछ चीजों को जान करके जो कुछ नई चीजें निकल के आई हैं, जो मतलब अभी देश की जो स्थिति चल रही है, तो काफी मतलब कुछ नया लोगों से पर्सनली मिला तो काफी कुछ चीजें थी जो सामने आई है निकल कर, तो काम होना चाहिए। वाह कार्यकारी अध्यक्ष महोदय वाह, क्या रिपोर्ट दी है संवाददाता की तरीके से है? बहुत बढ़िया। चलिए अभी 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 आप चुप हो जाइए, बहुत मजा आया आपकी रिपोर्ट सुन के। अभी हम आयुष सारनेकर से बात करते हैं मुंबई से। हाँ 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 ठीक है, तो मुझे बस मुझे इसके बारे में बात करनी थी, लाइक तो मुझे मतलब जो भी अभी आज मेरा मतलब बहुत कुछ किया है मैंने, लाइक बहुत लाइक पिछले दो चार महीनों से लाइक आपकी वीडियोस देख के बहुत मतलब इन काइंड ऑफ बहुत कुछ नॉलेज मिल चुकी है। अब जब मैंने आपके प्लेलिस्ट देखे एंड ऑल, मतलब जब मतलब आपके जो भी प्लेलिस्ट थे आपके यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने बहुत कुछ लाइक रिसर्च किया है एंड लाइक हाँ मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक इन माय क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी के लिए मतलब बहुत कुछ मैंने अपने आप में लाइक एक्सप्लोर कर चुका हूँ मैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक आर्ट नहीं तो लाइक सिंगिंग एंड ऑल। हाँ तो म्यूजिक ऐसा में प्ले करते हैं, म्यूजिक में आई जस्ट लाइक मैं मतलब म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ, लाइक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनाता हूँ और गिटार भी सीख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आप कब से प्रोड्यूस कर रहे हैं? लाइक अप्रैल से सीख रहा हूँ, मेरे को पहले ऐसा लगा नहीं था कि लाइक मैं कर पाऊंगा, बट लाइक वॉचिंग योर वीडियोज एंड ऑल तब से मुझे ऐसा लगा कि हाँ आई कैन डू इट। तो मुंबई में आप किधर रहते हैं? मुंबई वेस्ट साइड, खार वेस्ट साइड। अच्छा तो मुंबई में किसी और सुपीरियर को आप जानते हैं क्या? नहीं तो जानने की ट्राई किया था पर लाइक नहीं किया मैंने। अच्छा तो मैं भी आपको एक नंबर भेजता हूँ। ठीक है, आयुष सारनेकर नाम है ना आपका, तो आपको मैं नंबर भेजता हूँ, अक्षर ओझा का। ओके तो अक्षर ओझा ये इधर रहता है जूहू, जूहू का जो वो जो का जो मोड़ आता है ना सामने एक मोड़ आता है एसवी रोड, एसवी रोड के उधर रहता है। अच्छा तो ही इज आल्सो, और एक और बात कहनी थी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अच्छा ही आल्सो, ही इज आल्सो इनटू म्यूजिक, बोथ काइंड ऑफ म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट
instrumental music and music production also, and he is a self-taught musician plus music producer. Oh, okay, now like he would be more helpful for me. Haan, and also मैंने like हाँ अपने like अपने दोस्तों को भी बहुत बताया इस चीज के बारे में about neuroplasticity and like spirituality and like how can like कोई भी अपने आपके skills को develop कर सके. Mostly लोगों ने मतलब जो भी मेरे दोस्त हैं वो लोग ने बताया कि हाँ point अच्छे इसके but like in kind of he is very like too much into like मेरे को बताया कि like ये अपना government भी चालू कर रहा है like he is doing in like मतलब politics में भी जा रहा है ये and all he was like अबे ये क्या कर रहा है ये ऐसे कैसे कर सकता है ये ऐसा नहीं हो सकता भाई ऐसा नहीं हो सकता. So let me give you an example of what productive work I'm talking about here. तो आप मेरे चैनल से basically कोई वीडियो का कुछ मोमेंट्स उठाएं एक मिनट का दो मिनट का तीन मिनट का और कुछ कंपाइलेशन बनाकर दिखाएं. ओके इट कैन बी फनी कंपाइलेशन एंड इट कैन बी समथिंग नॉलेजेबल कंपाइलेशन आल्सो. ओके ओके और उस वीडियो को इस प्रकार से एडिट करें या फिर उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से लिख दें टेक्स्ट लिख दें कि यार ताकि समझ गए ना आप मतलब वीडियो के ऊपर अगर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो उसकी रीच बढ़ जाती है उसकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है. इस प्रकार से कुछ कंटेंट क्रिएट करके दिखाएं तो जब आप उस प्रकार से कंटेंट क्रिएट करके दिखाएंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा. आई विल गिव यू सम रिवॉर्ड और उस वीडियो के अंदर ही आप अपने क्रेडिट्स भी मेंशन करेंगे और उस वीडियो को आप अपने YouTube चैनल पर भी डालेंगे. कोई बात करता नहीं है सब साले पर्दे के पीछे पीछे लोग आयो की तरह सब बैठे हुए हैं कोई बात नहीं कर रहा है कोई कैमरा खोल के बात नहीं करना चाह रहा है. एक आदमी ने कैमरा खोला हुआ है तो उसके माइक नहीं खुल रहा है. इसका माइक और कैमरा खुला हुआ है उसका मुंह नहीं खुल रहा है. इसका माइक और कैमरा मुंह खुला हुआ है उसकी आवाज नहीं आ रही है. हम साला यहाँ पर क्या वो फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं क्या पासपोर्ट साइज कि ये पर हमारा फोटो खींचेगा वो पासपोर्ट में जाके लगेगा खुल्ला उससे अपना साइन करेगा फिर साल हम विदेश घूमने जाऊंगा. कोई आ नहीं रहा है. टेलीग्राम ज्यादा यूज करता हूँ मैं भैया. टेलीग्राम पर मेरे पास में करीब 5,000 के कई ग्रुप है मेरे पास में. अच्छा 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 समझ गया. जिसमें मैं आपकी सारी वीडियो डालता रहता हूँ कुछ भी नया कंटेंट आता है जो भी. तो उसमें एक सुपीरियर सोसाइटी का भी एक लेटेस्ट पैम्फलेट आया था वो आपने शेयर कर दिया था. हाँ यस उसको तो करीब 15-20 दिन ज्यादा हो गए जब आपने डाल लेते डाल दिया था. मैंने नहीं डाले थे जो भाई शैलेंद्र लोधी जी उन्होंने डाले थे तो मैंने पिन कर दिया था उसके लिए. अच्छा अच्छा आपको भी ऐड बना दूं उस ग्रुप में. यार टेलीग्राम का मैं ज्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ. अच्छा चलो तो कोई नहीं मतलब चलो कोई वो नहीं है क्योंकि टेलीग्राम पर हम एक बार में 2,00,000 लोग लेके आ सकते हैं ग्रुप में 20,000 लोग लेके आ सकते हैं तो ये प्लस पॉइंट है. मैंने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे ना सब खत्म कर दिए हैं कि करके सारे राष्ट्रवादी लोग हैं या फिर मतलब जितने भी भारतीय परिवार के लोग हैं और काफी जितने भी लोग हैं सबको ना वहीं पर ले आए हम लोग टेलीग्राम पर. नहीं तो बात टेलीग्राम ग्रुप बनाम व्हाट्सएप ग्रुप की नहीं है क्योंकि मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी इस्तेमाल नहीं करता बहुत ही कम रेयरली क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में क्या है कि और व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या है कि जब लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं तो उससे बहुत नॉइज क्रिएट होता है. यही तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वहां पर. उसमें क्या है मैंने 37 admin है ग्रुप में मेरे पास में बकाया जो 5,000 से ज्यादा लोग है ना वो अलाउ नहीं कुछ लिख ही नहीं सकते उसमें तो बस कंटेंट उठाया वो जहां चाहो वहां डाल देते हैं स्टेटस पर डालें ग्रुप में डालें. हाँ हाँ उस प्रकार से किया जा सकता है. तो उस प्रकार से प्रश्न उठता है कि फिर चैनल में और उस ग्रुप में संबंध क्या है मतलब डिफरेंस क्या है. सॉरी डिफरेंस चैनल भी तो इसी प्रकार का होता है. ना 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 चैनल में क्या होता है उसको हम सब्सक्राइबर कर सकते हैं हम अपनी तरफ से नहीं बढ़ा सकते हैं. और चैनल में क्या मतलब आप चीज सिर्फ आप ही जो ओनर होता है वो एक्टिविटीज कर सकता है. ग्रुप में एक तो एक बार में हम 20,000 लोग लेके आ सकते हैं और उसमें एक ऑप्शन आता है एड मेंबर का तो उसमें अगर आपने 100 लोग जोड़े हैं तो 100 लोग क्या 10-10 लोग 20-20 लोग 100-100 200-200 लोग जोड़ सकते हैं. तो हम अपने एक ग्रुप में एक दिन में एक घंटे में 20,000 लोग खड़े कर सकते हैं. चैनल में ऐसा नहीं होता. अरे वाह क्या बात बताइए बहुत बढ़िया बात है. तो ग्रुप मैंने क्या किया था सिर्फ मुझे 27 मिनट में 5,000 लोग खड़े कर दिए थे उस ग्रुप के अंदर. अगर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूं तो मैं उसको 5,000 को 10,000 पर लेके जा सकता हूं. अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार ये तो तुरंत किया जाए.
आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद दो तीन जगह पोस्ट कर देना, उसमें करीब 700 लोग तो मैं ही जोड़ दूंगा, मेरे कैंडिडेट में इतने लोग हैं, 700 लोग तो मैं ही जोड़ दूंगा आपके ग्रुप में। आपको डालनी है कहीं पर भी, टेलीग्राम पर डालनी है या फिर मतलब स्टेटस पर डालनी है, इतने लोग हैं संपर्क में, तो सारे लोग अगर उसमें 100 लोग जुड़े तो 20,000 का नेटवर्क तो बेसिक बन जाएगा आपका। अच्छा ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन इसके साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि, अरे मेरी बात तो सुन लो भैया, ज्यादा पड़पड़ाइए नहीं, बात सुनिए। मैं गाना गाना पसंद है मेरे को वैसे तो, पर अभी मैं उस पे कुछ ज्यादा काम नहीं किया मैंने, थोड़ा अभी थोड़ा खुलने को मिला है ना, पहले बहुत परेशानियां थी थोड़ी जीवन में। सुना तो भैया गाना सुना दो, एक दिल खुश हो जाएगा, महफिल कर दो। मिल गया है तो रुको रुको अभी और बात कर दो थोड़ी। मैं शतरंज भी खेलता हूँ और उसमें तो मैंने कई इनाम भी कमाए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। वैसे तो मैं शतरंज में नेशनल लेवल का खिलाड़ी हूँ। वाओ वेरी गुड, तो मैंने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा मैं कई सालों से शतरंज खेल रहा हूँ ना। बहुत अच्छी बात है। और मैं राइट टू रिकॉल से भी मैं जुड़ा रहता हूँ, मतलब मेरे को इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट टू रिकॉल वगैरह, राजीव दीक्षित, स्वदेशी। पोस्ट कार्ड भेजा आपने? ना पिछली बार नहीं भेजा, इस बार बात करने दीजिए। अच्छा जी बात करने दीजिए, सब लोग आपस में बात करेंगे तो फिर यहाँ पर एक भिंडी बाजार तैयार हो जाएगा। नहीं तो अच्छा, अभी वन टू वन बात करने दीजिए। हाँ तो राइट टू रिकॉल के बारे में आप कह रहे थे, आगे बताइए। मैं राहुल चिमन भाई मेहता को भी फॉलो करता रहता हूँ लगातार, और इनके पवन जूरी जो आपने बताया आपके थ्रू, तो फिर ये तो बड़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब समझ, मैं तो चाहता हूँ हर एक इंसान तक पहुंचे हर, लेकिन किसी को कोई खास मतलब नहीं है इससे, हर कोई अपने में लगा हुआ है। हाँ, और तो फालतू की चीजें। समझ गया, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल में थोड़ा आपका इन्वॉल्वमेंट है और शतरंज वगैरह में इन्वॉल्वमेंट है और काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, रांची आदमी भी है। तो अभी आपने पोस्ट कार्ड वगैरह डाला, जैसे कि प्रत्युष कुमार ने पूछा रांची से। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ अगली 5 तारीख को डालूंगा। अच्छा, तो अभी 7-8 दिन में 5 तारीख आने वाली है, तो उसमें आप पोस्ट कार्ड डालिए पानीपत से। ठीक है ठीक है। और बाकी सुपीरियर्स के साथ में नेटवर्किंग करने में आपकी रुचि है? किस प्रकार, मतलब कहाँ? वो तो आप डिसाइड करेंगे ना किस प्रकार कहाँ, जैसे कि मैं इस प्रकार यहाँ कर रहा हूँ, वैसे आप देखिएगा किस प्रकार कहाँ करना है बाकी सुपीरियर्स के साथ नेटवर्किंग। अच्छा हाँ जी, रुचि है, होनी करनी चाहिए नेटवर्किंग थोड़े समय बाद, है ना। तो एक मिनट मैं ढूंढता हूँ पानीपत में और भी लोग हैं क्या पानीपत में? बहुत नहीं, एक जयदीप करके शायद मैंने आपको भेजा भी होगा कॉन्टेक्ट, जयदीप का, अजय लाहौत का, रविशंकर है, अक्षय जुनेजा है, कुल 5 लोग हैं आपको मिलाकर पानीपत। ये तो बहुत अच्छी है। और मैं अभी चंडीगढ़ हूँ, कुछ लोगों तो बता दीजिए। और एक और है गर्वित गाबा, गर्वित को मिलाकर कुल 6 लोग हैं पानीपत में। और एक और मुझे याद आ गया, मेरा पुराना स्टूडेंट है, 7 लोग हैं पानीपत में, और 7 के से नेटवर्किंग करके आप थोड़ा और भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो नेटवर्किंग से मेरा कहने का मतलब है कि आप उनके कम से कम फोन नंबर रखें और कुछ आइडिया रखें कि आपके शहर में वो लोग कहाँ कहाँ रहते हैं और क्या क्या उनका प्रोफाइल है, क्या क्या उनका इंक्लिनेशन है, वो पैसे कमाने में ज्यादा है कि आध्यात्म में ज्यादा है कि राजनीति में ज्यादा है या किसी खेल में ज्यादा है कि किसी प्रकार के एक्टिविज्म में ज्यादा है। हाँ जी, आप इनका नंबर मेरे को सेंड कर देना। हाँ, ये एक प्रकार की नेटवर्किंग होती है। उसके अलावा चूंकि आप धन उपार्जन कुछ करते नहीं है तो आपसे कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन की आशा नहीं की जा सकती है। सोशल मीडिया पर क्या है आपके, फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं और कोई यूट्यूब चैनल भी है क्या आपका? तो मैं उस आदमी को ही सीधा क्या है कि रिपोर्ट और ब्लॉक कर देता हूँ। क्योंकि वो एक बहुत ही लो कॉन्शियसनेस एक्टिविटी है, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैंने आज तक किसी को भी जिंदगी में आगे से किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया, अनलेस वो बहुत ही स्पेसिफिक हो और उस आदमी के इंटरेस्ट का हो। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रजापति जी। अभी सत्यम से बात करेंगे, बंदा से। यस 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 यस। हाँ बताइए भाई सत्यम। हेलो
किम चलन जी सर किम चलन अस्ति वदतु सम्यक अस्ति बहु सम्यक अस्ति संस्कृत भाषायाः अभ्यासं कथं चलति चलति वा न चलति केवलं चलति थोड़ा थोड़ा चलति अच्छा धावति न किंचित धावति न केवलं चलति धावति न अभी आद्य धावति उसके अलावा क्या चल रहा है आपके जीवन में क्या कर रहे हैं अभी बुक्स काफी सारी मैंने पढ़ ली हैं उसको और रिवाइज कर रहा हूँ दो तीन नई बिजनेस बुक्स पढ़ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे दो तीन कोर्स ले रखे हैं उनको सीख रहा हूँ और मार्केटिंग कर रहा हूँ पापा के साथ मिलके एक SLEPS नाम की एक कंपनी है आयुर्वेदिक कंपनी है तो उसमें डायरेक्ट हम लोग सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें सेलिंग सीख रहा हूँ मैं एक तो डोर टू डोर जाकर और फ्रूट प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ साथ बाइसिकलिंग भी कर रहा हूँ और कुकिंग भी सीख रहा हूँ थोड़ा नई नई चीजें ट्राई कर रहा हूँ और इस समय कल मैंने एक नई चीज सीखी काढ़ा बनाना वगैरह नए नए तरीके आयुर्वेदिक मतलब किस बीमारी के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स में भी थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो अभी आय के साधन क्या है आपके आय के साधन अभी तो एक छोटा सा काम करता हूँ लाइक अभी तो जैसे लॉकडाउन है तो अभी मेरी एक जगह जॉब लग गई पर अभी वो होल्ड पे है उसमें कुछ नेक्स्ट वीक तक मुझको वहां पर जाना है और साथ साथ मैं कुछ फोन वगैरह बुक करता हूँ दुकानों के लिए तो उससे मुझको काफी ठीक ठाक इनकम हो जाती है प्रति फोन के ऊपर ये तो बहुत अच्छी बात है तो ये जो दो तीन पिताजी के साथ वाला जो काम बताया उसमें किस प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं वो और वो सेल भी जो किया आपने जी जी मैंने खुद सेल किए हैं और ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये टोटल आयुर्वेदिक के ऊपर बेस है इस कंपनी का नाम SLEPS करके है और सर्टिफाइड कंपनी है काफी मतलब फर्निश हो रही है और इसके जो प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं मैंने अपने ऊपर पहले इसको प्रयोग किया तो मुझे रिजल्ट अच्छा लगा तो मैंने फिर से डायरेक्ट डोर टू डोर सेल करने का सोचा मैंने और पापा ने तो उसको हम डायरेक्ट डोर टू डोर सेल कर रहे हैं साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी इसको सेल कर रहे हैं सर ये ना एक डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है AWPL बहुत अच्छी कंपनी है कम समय में इसने अच्छा ग्रो किया है हाँ इसका ग्रो एक्सपेंशन तो इसका जॉइनिंग फीस कितना है मैंने तो जॉइन नहीं किया पापा ही क्या चल रहा है 650 आई थिंक अच्छा तो प्रजापति जी क्या ये अच्छी कंपनी है इसको इससे जुड़ना चाहिए सुपीरियर्स को अभी ना पूरा मार्केट बूम कर रखा है जैसे ओके लाइफ केयर है AWPL इन्होंने पिछले 4 साल में जो लोग पिछले 8-8-10-10 साल से काम कर रहे हैं 30-30, 35-35 लाख के चेक पे पहुंच गए हैं लोग मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मतलब सिक्योर लाइफ के जो लोग थे ना पुराने डबल डायमंड बीनस निकाली एक कंपनी तो काफी द्वारका में इसका ऑफिस में गया भी था बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बढ़िया प्रोडक्ट है सारे तो ऐसा क्या है इसमें जो बाकी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेल्स वाली कंपनीज थी उसमें नहीं है उसका इंपैक्ट मुझे अलग समझ में आया था कि हाँ इसका यूज अच्छा हो रहा है तो फिर इस कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए या फिर जो बाकी देसी इलाज होता है हर चीज का जैसे कि राजेंद्र दीक्षित ने बताया है कि आप प्राकृतिक रूप से हर चीज का इस्तेमाल करें वो दांत साफ करने का हो या फिर दाने का काम हो या फिर कुछ आवाजें आ रही हैं आवाज़ है घंटा रही मॉनिटर मॉन रेवोल्यूशनरी साला म्यूट किए बिना बक्शोदी काट रहा है मेरे साथ से यदि स्वदेशी इंसान को लाइक इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए मतलब जैसे आपके आसपास की चीजें हैं खनिज हैं उनसे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने चाहिए पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है क्योंकि जब लोग क्या बोलते हैं क्या बोले उस शब्द को जागृत नहीं है ज्यादातर लोग जागृत नहीं तो इस तरह के प्रोडक्ट से वो फायदा ले सकते हैं सिटीज में ये बहुत ज्यादा कारगर है और जो लोग जानते हैं कि कैसे देसी उपाय किए जा सकते हैं तो उनके लिए तो और भी अच्छा है अच्छा मैं समझ गया मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि कोई कोलगेट इस्तेमाल कर रहा है तो उसने पतंजलि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अभी पतंजलि के भी चुतिया पे सामने आ गए तो उसकी जगह ये इस्तेमाल किया जा सकता है जो अभी आप बेच रहे हैं जी 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 उसमें एक हाँ उसमें एक सोडियम का एक फॉर्म होता है जो कि पतंजलि वाले भी यूज कर रहे हैं जो कि मंजन में झाग पैदा करने के लिए यूज किया जाता है बेकिंग सोडा होता है
बेकिंग हाँ बेकिंग सोडा नहीं 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 बेकिंग सोडा से झाग पे सोडियम लॉरेट नाम है उसका नहीं नहीं जो कोई बात नहीं है आग लग गई उस झाग में जिससे भी पैदा होते हैं वो अभी अभी हमें आगे आगे बात जल्दी खत्म करनी है ये तो ये बात मुझे आगे समझ में ये आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं बहुत बढ़िया तो उसमें आपकी आय वगैरह भी हो रही है और जो राइट टू रिकॉल है मतलब उसमें भी आप रुचि रखते हैं आप इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि आप पोस्ट कार्ड डालें जी 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 इस बार मुझको पोस्ट कार्ड जरूर डालना है पिछली बार मुझसे मिस हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था पर इस बार मैं जरूर डालूंगा इस बार 7 दिन बाद 5 तारीख आ रही है जी जी तो उस दिन को जाकर आप पोस्ट कार्ड डालें शाम को 5 बजे अवश्य पोस्ट कार्ड पर क्या लिखना है उसके बारे में जानकारी आपको होगी नहीं तो आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से फेसबुक पर आप किसी से भी पूछेंगे फेसबुक पर तो कोई ना कोई राइट टू रिकॉल का आदमी आपको बेसिकली वहां मेंशन कर देगा जहां पर उन पोस्ट कार्ड की फोटो लगी हुई है ठीक है भाई साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अभी आप पूछने जाइए मतलब कि म्यूट कर लीजिए अपने आप को ठीक है और कौन बात करेगा हाँ मनिंदर रिवोल्यूशनरी कहाँ गया हाँ शुभम सर्वोदय बात करेगा yes, sir. बात कीजिए आपने कैमरे पर क्यों कर रखा है इस प्रकार से कैमरे पर आप आपका कैमरा ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है वो पता नहीं मेरे कौन फिल्में बनती हैं जिसमें ठीक है अच्छा मैं आजकल एंजाइम पे काम कर रहा हूँ आजकल एंजाइम आपको पता होगा एंजाइम किससे बनता है क्या होता है तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं बेनिफिट आज आप एंजाइम पे काम कर रहे हैं कल आप चुनाव लड़ने नहीं निकले थे हाँ एंजाइम पे काम कर रहा हूँ वो तो मेरा बैकअप है बैकअप कर रहा हूँ उसके पीछे का नहीं है ये उससे बड़ी एक्टिविटी इसलिए मैं पहले ये कर रहा हूँ बाद में हाँ तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं एंजाइम के बारे में कैसा काम कर रहा हूँ कि क्या होता है अगर आप पानी करना है या पेड़ पौधों को जल्दी बनाना है या कोई भी गंदी चीजें कोई भी मतलब जैसे फल फ्रूट इत्यादि जो चीजों को आप उन केमिकल हार्मफुल से दूर करना है तो ये एंजाइम उसकी चीज होती है मुझे लगता है मैं के बारे में बहुत पढ़ा देखा होगा आपको तो पता होगा ना एंजाइम क्या होता है किससे बनता है धातु क्या होती है उसकी नहीं नहीं इतनी पता है क्या कि प्राथमिक एक्टिविटी कभी हो रही नहीं ना मुझे कैसे पता होगा एंजाइम कैसे बनता है इसके लिए अच्छा होगा इस ना कि मेरे लिए अच्छा होगा यहाँ पर जितने लोग बैठे अगर वो एंजाइम को अगर एक भाग भी बना लेते ना तो वो उनके लिए और उनके समाज के लिए बहुत अच्छा होगा मुझे ऐसा लगता है ये तो बड़ी गहरी बात कही आपने दोबारा समझाइए क्या होगी एंजाइम के बनता है और अपने खुद बनाया हाँ बनाया मैंने एक मतलब कम से कम एक कुप्पी भर के बनाया तो आपने कुछ ऐसा बताया क्योंकि आपका नेटवर्क उसकी ठीक से बात समझ में आई नहीं आपने कुछ ऐसा बताया कि उस एंजाइम का प्रयोग करके हम जो अपने फल सब्जी के अंदर जो भी विष है जो पेस्टिसाइड वगैरह है उसको दूर कर सकते हैं ऐसा कुछ कहा पानी था? पानी शुद्ध तो करना हाँ पानी भी शुद्ध और जो केमिकल से उसको भी दूर कर देगा और जल्दी जल्दी पौधों को जल्दी बढ़ाने के लिए भी जल्दी यूज होगा उसका मतलब पौधे बहुत जल्दी बढ़ते उससे अच्छा ऐसा है तो उसके लिए कुछ पेस्टिसाइड या खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है हाँ मतलब कुछ नहीं बस रेशो होता है उस रेशो में 3 चीज डालनी पड़ती है बाकी सब फिट है बस 3 चीजें रेशो भी इसका होता है लगभग 10:2:3 मतलब जैसे फलों के जो छिलके होते हैं बहुत सारे वो और वेजिटेबल फ्रूट सब चलेगा इसके अंदर ठीक है और आप मतलब एसिडिक चीजों का भी यूज कर सकते हो उसके अंदर और उसमें गुड़ भी डालना है और उसके बाद फिर डालना है उतने रेशो में जो रेशो बताया ना 10:2 तो ये फर्मेंटेड करना है फर्मेंट करना है संभाल के मतलब एक वो 15 15 15 जी हाँ यूट्यूब से देखा था मैंने तो इसका बहुत क्रांतिकारी चीज है पर ये
मैं बता दे रहा हूँ आपको बिली, वो तो सुनकर लग रहा है। तो अभी आपने बना लिया तो इसका आपने प्रयोग करना शुरू किया है या हो गया है या फिर क्या है? राजेश कपूर जी ने बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है सर। जी जी, राजेश कपूर जी हैं हिमाचल वाले, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है। मैंने हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, तो मैं लिंक आप भेज दूंगा इतने जी आपको। राइट टू रिकॉल से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है ऐसा लगता है मेरे को। नहीं वो भी तो सुपीरियर सोसाइटी गवर्नमेंट में ही आप पीएम पद के दावेदार बनना चाहते हैं या फिर आप अपने हिसाब से बनना चाहते हैं पीएम? मैं सुपीरियर सोसाइटी की तरफ से जैसे भी मर्जी। तो आप अपने फेसबुक पर उस वीडियो को शेयर कर दें और ये लिखें कि मैं सुपीरियर सोसाइटी गवर्नमेंट में पीएम पद का दावेदार हूं या फिर बनना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। अपनी भाषा में ये दो तीन लाइनों के अंदर इस बात को आप कन्वे कर दें और उसमें आप मुझे टैग भी कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वो पोस्ट किया है और मेरी वॉल पर भी आ जाए वो। अब प्रत्युष से बात की जाएगी, प्रत्युष रांची से। माइक अनम्यूट कर दीजिए। नमस्ते जी सर, कैसे है? थोड़ा सिर में दर्द है, कभी कभी हल्का हल्का बुखार होता है, मौसम बदल रहा है। और बस जब ये आ गया ना और बताओ तो मतलब आप समझ लीजिए गुलामों वाली हरकत है। गुलामों के पास और कुछ सोशल डायनेमिक्स में थोड़ा कमजोर। हाँ सर पूछिए कुछ कुछ तब। हाँ तो आपने जैसा भी कहा ना सोशल डायनामिक्स में थोड़ा कमजोर है, तो पहले सोशल डायनामिक्स बिटवीन सुपीरियर्स को समझ लीजिए, है ना। तो सुपीरियर्स के बीच में जो सोशल डायनामिक्स होती है उसमें सबसे प्रमुख चीज तो ये होती है बेसिकली आपकी सुपीरियर एक्टिविटीज क्या है। सुपीरियर एक्टिविटीज इन रिगार्ड ऑफ मनी मेकिंग, इन रिगार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी और सम सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म, कुछ एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, कोई भाषा वगैरह सीख रहे हैं आप, या कुछ भी संगठन निर्माण कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें। तो ये सब चीजें शेयर करने के बारे में आपको तत्पर रहना चाहिए यदि पूछा जाए तो। ठीक है सर। तो मनी मेकिंग में अभी यही मनी मेकिंग में यही करता हूँ और सोशल डायनामिक्स को इम्प्रूव करने के लिए जब कॉलेज मतलब शहर जाऊंगा तब आपके ही तरह स्ट्रीट रोड पर निकल के अनजान लोगों से बातें करने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करना करके खुद के सोशल डायनामिक्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। फिलहाल घर पे बैठ के स्टॉक मार्केट के बुक्स पढ़ता रहता हूँ और बनने का तो इच्छुक हूँ सर। हाँ तो रांची से सुपीरियर्स है क्या? हाँ तो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, कुल मिला के 7 लोग हैं रांची से आपको मिलाकर। अच्छा जी, तो आपको मिलाकर ही सबका नंबर जो है व्हाट्सएप मैंने कर दिया है, आप उन एक एक को कांटेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही छोटी संख्या है, 6 लोगों को आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है सर। और उन 6 लोगों को ये जो पूरा सेट भेजा ना मैंने 7 कांटेक्ट का, ये आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है। और थोड़ा उनके बारे में दो दो चार चार लाइन की सूचना आपको लेनी है कि वो आपके शहर में रहते कहाँ है, लोकली कहाँ रहते, कौन से नगर में रहते, कौन से पुर में रहते, कौन से गढ़ में रहते हैं रांची में, है ना, है ना। और उनकी प्रोफाइल क्या है, किस प्रकार की चीजों में वो इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। यस सर। सर तो आपको एड्रेस कैसे किया करूं, हितेश सर कहूं या फिर हितेश भाई, हितेश भैया, एड्रेस कैसे करूं आपको, बड़ा कंफ्यूजन होता है। और लोडो बोल सकते हैं। हाँ सॉरी सर। सकते हैं कि और वे आपके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, और आप सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है सर, कोशिश करूंगा अगर सामने हुआ हमारा। तो आप प्रेसिडेंशियली पहले तो आप मेरी बात पूरी सुनने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं आप मेरी बुरी बात सुनने के लिए तो कैसे कोशिश करेंगे? बोलिए ना। आप मुझे सुनने से वो हाथ उठा दी बनेगी ये
देखिए आपको पता करना है कि वो आपके शहर में कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन से गढ़ में, कौन कौन से नगर में, कौन कौन से पूरे में, कौन कौन से गंजे में रहते हैं, वो क्या क्या करते होंगे, क्या क्या प्रोफाइल है, क्या क्या उनका इंक्लिनेशन है, आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, वे आपके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, वे सब लोग आपको मिलाकर एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, ये आपको देखना है। ठीक ठीक है। उसके अलावा आपको देखना है कि इसमें से कितने कितने लोग हैं जो कि सुपीरियर सोसाइटी या फिर राइट टू रिकॉल को कुछ मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन मतलब कि 5 रुपए का या 50 रुपए का या 100 रुपए का या 500 रुपए का या 1000 रुपए का किसी प्रकार का जो उनके सामर्थ्य में उस प्रकार का मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या ये लोग। और जो लोग मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते उनको देखना है कि वे सोशल मीडिया पर कुछ प्रमोशन कर सकते हैं क्या सुपीरियर सोसाइटी कंटेंट का प्लस राइट टू रिकॉल के कंटेंट का। ठीक है सर। हाँ आपको आ रही मेरी बात समझ में? तो ये मेरी बात है। आ रही से बोल रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। आपके साथ थोड़ी बात भी हुई थी, आपने वो ऐसा कहा था ना कि आपने वो फ्रॉम सेक्स टू सुपीरियरिटी बुक पढ़ी और आपको एकदम बकवास लगी, वो नहीं है? नहीं पूरी बुक बकवास नहीं लगी। अच्छा, इसमें कुछ कुछ जो पोस्ट है रिलेशनशिप वाला उसको थोड़ा सा मुझे लगा ऐसा कि ठीक नहीं, बाकी बुक तो उसमें बहुत अच्छा जानकारी मिली। ठीक है ठीक है। तो बाकी तो आप समझदार व्यक्ति, आपसे क्या बात करें, कुछ सूचना आप मुझे देना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। नहीं समझदार तो नहीं है, बस सीखने के लिए कुछ आपसे आए हैं। कई लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं बहुत एरोगेंट हूं, तो कभी कभी मुझे हम्बल बनने का कंबल भी पहनना पड़ता है। नहीं तो ऐड वगैरह चलिए, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, फिर उसके अलावा आप पर और कोई भार नहीं डालेंगे हम। नहीं भार नहीं, भार नहीं है तो फिर आप कुछ कीजिए, योगदान कीजिए सुपीरियर सोसाइटी में। यदि आपकी कुछ आय है तो मॉनिटरी योगदान कीजिए, नहीं है तो राइट टू रिकॉल का आप पोस्ट कार्ड डालिए, और उतना समय नहीं है पोस्ट कार्ड जी कंप्लीट कर दीजिए। हाँ उतना समय नहीं है तो सोशल मीडिया पर आप सुपीरियर सोसाइटी का और राइट टू रिकॉल कंटेंट का प्रमोशन कीजिए। आपसे जब एक बार काफी टाइम पहले बात हुई थी कि मैंने आपको बताया था मेरे यूट्यूब में एक प्रॉब्लम चल रही है मेरा एडसेंस के रिगार्डिंग, और मैंने आपसे बोला भी था कि जल्द ही आपके 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आपको मैनेजर मिलेगा तो आप मेरी मदद कीजिएगा। और उस समय इस बारे में हमारी बात हुई थी कि अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी कोई प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज वैसे भी वर्क करती है और चालू हो जाएगा। तो सच बताऊं तो मैंने उसको काफी प्रैक्टिस किया और मेरा जो एडसेंस था ना वो चालू हो चुका है। बहुत बधाई हो। जो परमानेंट डिसेबल था वो चालू हो चुका है, क्योंकि परमानेंट जो डिसेबल हो जाते हैं वो चालू नहीं होते हैं। अभी तक मैंने जितना भी रिसर्च किया है तो पिछले 2007 में जब से यूट्यूब आया तब से लेकर अभी तक ओनली 4 लोगों के एडसेंस परमानेंट डिसेबल होने के बाद में वापस चालू हुए, उनमें से मैं चौथा में ही था। बहुत बढ़िया। थैंक्स टू यू कि वो एक काफी अच्छी चीज थी मेरे लिए जो आपने मुझे शेयर करी, मैंने उसे प्रैक्टिस किया और कंटिन्यूसली मैंने लोगों को कांटेक्ट किया और फाइनली यूट्यूब से पर्सनली बात करके मैंने अपना एडसेंस चालू करवाया। चलिए आप सब लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात छोड़िए। अरे सत्यम की बांसुरी यार सुनना बाकी रह गया। हाँ किया मैंने थोड़ा। चलिए बांसुरी आप सुना दीजिए, अगर मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हम 2-5 मिनट के लिए एक्सटेंड कर देंगे, मतलब इसको रीस्टार्ट कर देंगे। आप बांसुरी सुनाइए। बस थोड़ा ही मैंने अभी स्टार्ट किया इसको। अरे क्या बात है। एक टर्टरिंग की भी मतलब ट्रिक मैंने आजमाई है जो टंकिंग टेक्निक होती है एक। वाह। मेरे गले से आवाज निकल नहीं रही क्योंकि सांस जाम है मेरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सांस जाम रहेगी तो आप वो पीजिए पंच तुलसी क्या वो तो काढ़ा बना के दिक्कत हो काढ़ा बना के पीजिए सर। चलिए अभी मैं मीटिंग को काट रहा हूँ, पता नहीं कब 10 मिनट खत्म होंगे। नमस्ते आप सब लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।